खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा। मैं आज दिनांक 1 अप्रैल को खड़ी हूँ पन्ना जिले के अजयगढ़ तहसील में। अजयगढ़ थाने से एक ढोंगी बाबा को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से एक इंग्लिश का कट्टा एवं 7 जिंदा कारतूस मिले हुए हैं। वह अपने 3 साथियों के साथ गिरफ्तार हुआ है। आजकल इतना क्राइम बढ़ रहा है कि साधुओं के नाम पर ये बाबा लूट रहे हैं लोगों को, और ये इसका कहना है कि यह जिन्ना धाम के गौशाला का कर्मचारी है। हम वाराणसी के रहने वाले हैं, यहाँ जिन्ना धाम में गौशाला चलाते हैं, उसके हम अध्यक्ष हैं जी। उसी के भूसा के काम के सिलसिले में हम यहाँ पे आए थे, तो इसमें किसी ने भी गाड़ी में जो कुछ भी जैसा भी रखा हो वो तो गाड़ी में लोगों को सामान बरामदगी हुई है, जो भी हो तो ऐसा है। गाड़ी एक ही भगत की है, किराए पे हर साल भूसा के लिए देता है, वही दिया। गाड़ी मैं स्वयं चला रहा था और मेरा ड्राइवरी लाइसेंस है, मैं ही गाड़ी चला रहा था। कोई ड्राइवर है नहीं, ड्राइवर को पैसा देने पड़ते हैं, कौन कहाँ से। आप गाड़ी में रखी थी, हम तो लिए नहीं थे, कौन रखा क्या हुआ अब उससे क्या पता, जो है कौन किया तो हमारा नहीं था। परसों रात में लगभग 2 बजे एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक मारुति वैन में कुछ 3-4 लोग हैं जो शराब के नशे में विचरण कर रहे हैं, संदिग्ध थे, इसलिए उनको चेक किया गया। चेक करने पर पाया कि एक तूफान गिरी तथा धनुषधारी गिरी नाम के एक व्यक्ति थे जो भगवा वस्त्र पहने हुए थे। उनके पास तलाशी ली गई तो उनके पास एक पिस्टल मिली और 7 कारतूस। उसी गाड़ी में एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था दशरथ सिंह, पिता गुलाब सिंह, पनारी गांव के रहने वाले इंद्रसपुर थाने के। उनके पास भी एक 315 बोर का कट्टा मिला था। एक अन्य तीसरे व्यक्ति थे विवेक चौबे, हैं कि अजयगढ़ के रहने वाले, उनके पास भी एक चाकू मिला। इस तरह से एक मारुति वैन में जो उत्तर प्रदेश की पासिंग गाड़ी है उसमें जो लोग सवार मिले थे उनसे जो कार्रवाई की गई है, और अलग अलग। सर कहाँ से आपने इनको गिरफ्तार किया? यहीं अपने अजयगढ़ में जय स्तंभ के पास चेकिंग करते समय। तो क्या सर आपको शक्का उन पर, आपने उनकी गाड़ी रुकवाई जैसे? नहीं, रूटीन चेक कर रहे थे। अच्छा, रात्रि गश्त में जो अपन पुलिस हमारा कर्मचारी होते हैं रूटीन चेक करते हैं, संदेश बाहर निकलते हैं तो चेक करते हैं। हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल, हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें।